अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बत्ती गुल अभियान चला रही है। योगी जी ने कहा कि 24 घंटे शहरों में बिजली रहती है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर मैं आपको बता सकता हूं शहरों में 10-10 घंटे 12-12 घंटे बिजली कट रही है। पिछले 10 साल से न तार बदले गए, न ट्रांसफार्मर बदले गए, न टूटे हुए खंभे बदले गए। गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक बदला नहीं जाता। बिजली कटौती एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में बन चुकी है। बलिया और पूर्वांचल में सैकड़ों लोगों की जान गर्मी की वजह से जा चुकी है। आम आदमी पार्टी 2 जुलाई को यूपी के सभी जिलों में लालटेन जुलूस भी निकालेगी और बिजली कटौती के साथ साथ बिजली महंगी की जा रही है। ये दोहरा प्रहार जनता के ऊपर है। अभी मोदी जी का एक तुगलकी फरमान आया है कि रात की बिजली 20% महंगी हो जाएगी। 70% बिजली का उपभोग तो रात में होता है, 70% बिजली का इस्तेमाल रात में होता है। रात में 20% बिजली महंगी करना एक तुगलकी फरमान है। सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। हम ये कानून इस देश के अंदर लागू नहीं होने देंगे। अपने चंद दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी, उनके दोस्तों की जो बिजली कंपनियां हैं उसको फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी इस देश की करोड़ों जनता को धोखा देना चाहते हैं बिजली का दाम बढ़ाकर। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए एक तो बत्ती गुल अभियान हमारा पूरे प्रदेश में 26 से 1 तक चलेगा और 2 जुलाई को लालटेन जुलूस। दूसरा विषय है कि हर जिले में इसी प्रकार से मंडल स्तर पे, जिले के स्तर पे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है। जो लोग चुनाव जीते हैं उनको हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं इन सम्मेलनों में, उनका नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं, और जो चुनाव हार भी गए हैं उनको आगे संगठन के अंदर जिम्मेदारी देके उनसे अपील कर रहे हैं कि वो काम करें। मुरादाबाद मंडल ने आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें दी। 60 यहाँ पर सभासद जीते हैं इस मंडल के अंदर और 5 हमारे चेयरमैन जीते हैं। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले मुरादाबाद मंडल ने आम आदमी पार्टी को आधे से ज़्यादा सीटें दी हैं। यह हमारे लिए एक बहुत अच्छा संदेश है, संकेत है। और अगर राजनीति की गंदगी को साफ करना है तो झाड़ू चलाना होगा। अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए मुरादाबाद से हमारे पागबाड़ा से चेयरमैन जीते याकूब भाई हैं और हमारे रुहेलखंड के अध्यक्ष हैदर भाई, उन्होंने बहुत संगठन के लिए मेहनत की। प्रदेश अध्यक्ष हमारे सभाजीत सिंह जी जो चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो इसका परिणाम अमरोहा के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सब ने बड़ी मेहनत की, जिसका नतीजा आज ये है कि आज अच्छी सफलता हम लोगों को इस चुनाव में मिली है, नगर निकाय के चुनाव में। आज मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष जी की अगुवाई में ये सम्मेलन हो रहा है। यहाँ से हम एक संदेश देंगे, गांव-गांव में बूथ बूथ पे आम आदमी पार्टी का संगठन बनाया जाए और जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं उस पर पार्टी काम करेगी। आज देश की सरकार मोदी जी की महंगाई रोकने में विफल, नौजवानों को रोजगार देने में विफल, किसानों को फसल का दाम देने में विफल, अमेरिका में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी, मिस्र में गए तो मस्जिद में चले गए, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में जाते हैं तो नवाज शरीफ को गले लगा लेते हैं, दुबई में जाते हैं तो शेखों को गले लगा लेते हैं, मिस्र में जाते हैं तो मौलानाओं को गले लगा देते हैं, मस्जिद में घूमने चले जाते हैं, और हिंदुस्तान में कहते हैं हम तो कपड़े से पहचान लेते हैं। यह कैसा दोहरा मापदंड है प्रधानमंत्री जी आपका और आपके पार्टी के कार्यकर्ता और आपके लोग इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं।
देश की सबसे बड़ी नफरत की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। ये देश को न शिक्षा दे सकती है, न बिजली पानी दे सकती है, न स्वास्थ्य का इंतजाम दे सकती है। हिंदू को मुसलमान से लड़ा सकती है, हिंदू को सिख से लड़ाते हैं, हिंदू को ईसाई से लड़ाते हैं, फिर हिंदू हिंदू को लड़ाते हैं, जाट गैर जाट लड़ाते हैं, मराठा गैर मराठा लड़ाते हैं, और अभी मणिपुर में आदिवासी दो समुदायों को आपस में लड़ा दिया। तो भारतीय झगड़ा पार्टी है ये, इससे देश को सावधान रहना पड़ेगा। अगर इस मुल्क को बचाना है, इस देश के जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचाना है, तो बीजेपी को हराने के लिए सबको इकट्ठा होकर लामबंद होकर काम करना पड़ेगा। मुझे इतनी बात कहना था, आपका कोई सवाल? प्रधानमंत्री के दौरे की बात कही है, क्या पार्टी को ऑब्जेक्शन है कि वो मस्जिदों में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं भारत की मस्जिद में क्यों नहीं जा रहे हैं भाई, नवाज शरीफ से गले मिलते हैं, यहां भी दो चार मुसलमानों से गले मिल लिया करें। यहां तो उनके लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, क्या भारत में मस्जिदें अच्छी नहीं है? क्या शेख की गले मिलने में अच्छे लगते हैं, जिनसे अमित शाह के बेटे का धंधा चल रहा है? तो मेरा सवाल यह है कि हिंदुस्तान में जो मोदी जी के चेले हैं वो तो दिन रात नफरत फैलाने का काम करते हैं, और बाहर जाके आप गले मिल रहे हो और यहां गाली दे रहे हो, ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरा सवाल था मेरा, गठबंधन का पूरा मीटिंग हो गई है, आपके कांग्रेस की कहीं सेटिंग नहीं बन पा रही है? देखिए ऐसा है कि इसमें सेटिंग गेटिंग का सवाल नहीं है, इस लोकतंत्र के ऊपर और भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मोदी जी ने एक जबरदस्त प्रहार किया है। 5-0 से सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला आया और मोदी जी ने 8 दिन के अंदर वो फैसला बदल दिया। तो ये बहुत ही तानाशाही का आचरण है प्रधानमंत्री का। इसमें हम चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे, इतनी सी बात है। गठबंधन का पार्ट है, हमने अपनी स्थिति साफ की है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपना रुख स्पष्ट नहीं करती तो ऐसी किसी भी बैठक में जिसमें कांग्रेस होगी, हम अपने उस बैठक में कैसे जा सकते हैं जब तक कांग्रेस पार्टी इस काले अध्यादेश पे अपना रुख साफ नहीं करती। ये हमने कहा है। धन्यवाद।